अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दीकी, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो चलिए आज मैं बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। आज पम्पकिन भुरता हम बना रहे हैं। पम्पकिन यानी लाल वाला जो कद्दू होता है, देखें इस तरह की इसकी स्किन होती है, बीज इस तरह के आपको स्लाइसिस में मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत कम लोग इसको खाते हैं, आई डोंट नो वाई इट्स नॉट ईटन सो रेगुलरली। हमें बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ों में मैं इसको डालती हूँ। उस दिन मैंने दाल जब बनाई थी, दाल चाट, उसमें भी मैंने डाला था। आज इसका भुरता हम बनाएंगे, इसको हम खिचड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और मैंने सिर्फ प्याज को लाल करके यहाँ रख दिया था ताकि जल्दी से हो जाए। पहले हम बना रहे हैं आज चॉकलेट मड केक विथ अ गनाश टॉपिंग। तो उसके लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। और हम चॉकलेट को पिघलाने के लिए रख देते हैं पैन में। ये चॉकलेट चली गई, ठीक है जी, 250 ग्राम चॉकलेट है। और इसमें हम आधा कप डालेंगे ऑलिव ऑयल, फिर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के कॉफी पाउडर, और क्या था, हाँ, लेमन जूस। ये है यहाँ मेरा स्क्वीज़र, उसको हम बटर मिल्क हमें करना है, एक कप दूध है, ये ले, ऐसे करके आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना है ताकि अच्छा सा ये बटर मिल्क हो जाए। सो लेमन जूस और दूध को मिक्स करके आपने बटर मिल्क कर दिया, आधा कप आपने ऑयल डाला, 250 ग्राम चॉकलेट है, कॉफ़ी है, और इसको आपने हल्का सा पकाना है जब तक ये चॉकलेट पिघल जाए, ठीक है। फिर इसको ठंडा करेंगे। दो अदद अंडे हैं, उसको हम डालते हैं यहाँ एक पैन में, और उसमें हम चीनी डालेंगे, पिसी हुई सफ़ेद चीनी है मेरे पास यहाँ, और मैदा है जिसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देते हैं, और कोको पाउडर भी डाल देते हैं, ऑल द ड्राई थिंग्स, ठीक है जी। सब कुछ हटा देते हैं, टिन को ग्रीस करके पेपर लगा के रेडी करके रख दिया है। लूज बॉटम टिन है, क्लिप वाला, स्प्रिंग फॉर्म टिन भी इसको कहते हैं। अब ये सब कुछ यहाँ से मैं हटा देती हूँ ताकि जगह हो जाए। आज डीलक्स ड्राई आयन है एनिक्स की तरफ से। किस किस को जीतना है, अगर आपको जीतना है मेरे शो के थ्रू, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे कोई भी सब्जियों के नाम, जैसे ये रेड पम्पकिन है, कुछ कोई भी अच्छी सी कोई सब्जी सोचें और उसके नाम लिख के 8881 पे हमें SMS करिए। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कप दूध था, एक चमचा भर के हमने उसमें लेमन जूस डाला, आधा कप ऑलिव ऑयल है, और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट है, एक कप कॉफ़ी मैंने लिखी है, लेकिन यू डोंट हैव टू ऐड अ कप। मैं एक टेबल स्पून कॉफ़ी का पाउडर बस मैंने इसमें डाला है, ठीक है, पानी थोड़ा सा जाएगा बाद में। दो कप मैदा है जिसको छान के मैंने यहाँ रख दिया था, एक टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसमें जाएगा आधा कप कोको पाउडर, ये एक कप चीनी है, दो अदद अंडे हैं। ये सब कुछ हमें मिक्स करना है, जब ये चॉकलेट पिघल जाएगी तब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और फिर ये चॉकलेट कॉफ़ी ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे। मड केक है, बहुत डेंस केक बनता है ये, तब तक बेक करिएगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तक ये अंदर से आप स्कूअर डालें, तो स्कूअर पे थोड़े से क्रम्स चिपके हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर चॉकलेट एंड क्रीम वहाँ रह गया है, उसको हम डाल के बनाएंगे उसका गनाश, वो बाद में करेंगे, मैं ज़रा केक बेक करने रख दूँ। What's wrong? स्पैचुला से अच्छी तरह इसमें से निकालिए ये, और फिर ये चॉकलेट कॉफ़ी और ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा, इसमें मक्खन नहीं है, ठीक है, इस केक में चॉकलेट कॉफ़ी ऑलिव ऑयल। अब आप इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर डालेंगे, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं पहले, फिर इसमें हम देखेंगे कितना बटर मिल्क जाएगा। आपने
पहले आधा डाला और मिक्स किया। साइडों से इस मैदे वगैरह को अंदर वो करिए, अंदर इनकॉर्पोरेट करिए ताकि अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक कप दूध चला जाएगा इसमें, ठीक है, पूरा एक कप दूध। सब कुछ हो गया, इतना झटपट केक का बैटर रेडी कर दिया है बिकॉज आई वॉन्ट के बेकिंग में टाइम ज़्यादा लग जाए ना। ठंडा भी हो ताकि फिर ऊपर से हम गनाश डाल सकें। इस हफ्ते की रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हफ्ते इतवार आपको जब छुट्टी हो कोई भी रेसिपीज़ मेरी ट्राई करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हैं इस हफ्ते, ठीक है। और सब्जियों के नाम बताइएगा और 8881 पे SMS करिएगा अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू आज डिलक्स ड्राई आयरन। नाउ दिस बैटर विल गो इन आवर टिन और हम इसको रखते हैं अवन में और ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो गनाश बनाएंगे ताकि जब वो केक ठंडा हो जाए तो हम इसको फिर उसके ऊपर लगा सकें और फिर आपके सामने हम खिचड़ी बनाएंगे, भुरता बनाएंगे एंड देन वी हैव हर्बियन का एक बहुत मज़ेदार सा खजूर और केलों के साथ शेक, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है हमारे शो के थ्रू इनिक्स का ये गिफ्ट तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करिए और बताइए सब्जियों के नाम, कोई सी भी सब्जियां जो आपके घर में पकती हों सब्जियों के नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब हम इसका गनाश बना लेते हैं। सो वी हैव गॉट सम चॉकलेट हियर और हम इसमें डालते हैं क्रीम। मुझे गनाश बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा आई एंड अप डूइंग गनाश फ्रॉस्टिंग्स बिकॉज टाइम भी कम होता है हमारे पास तो फिर उसमें यही बेहतर रहता है, ठीक है जी। चलिए ये कर देते हैं और साथ साथ फिर हम खिचड़ी भी शुरू करते हैं। खिचड़ी में क्या है, लाल वाली मसूर की दाल है, चावल है, एक कप चावल ले लीजिएगा, आधा कप दाल ले लीजिएगा, भिगो के रख दीजिएगा, अच्छी तरह धो लीजिएगा। फिर आपने यहाँ तेल गरम किया और प्याज लाल कर दी, ठीक है। प्याज जब लाल हो जाए, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है, तो फिर आप इसमें तेज़पत्ता और ज़ीरा और साबुत गरम मसाला मिक्स करके डाल दीजिएगा। फिर आप उसमें दाल और चावल डाल दीजिएगा। एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए जी। मैंने आपकी वो गुजराती थाल था ना, उसमें से दो तीन चीजें बनाई, बड़ी अच्छी बनी थी। अच्छा, मंडे वाली रेसिपीज? जी जी। अच्छा, वेरी गुड, क्या क्या बनाया आपने जी? और आपके सवाल का ना जवाब भी देना है। जी जी जी, सब्जियों के नाम पूछे ना आप? जी जी जी, आलू, पालक, सोया, मेथी, गोभी, करेला, लौकी, टिंडे, भिंडी। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए जी, हमारा गनाश भी हो रही है डीलक्स ड्राई आयरन एनिक्स की तरफ से। किस किस को जीतना है जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए। सब्जियों के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अगर मुझे और पतला इसको करना होगा तो मैं थोड़ा सा क्रीम और इस्तेमाल करूंगी, फिलहाल दिस इज़ फाइन, ठीक है। सो प्याज लाल कर दीजिए, उसमें साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता डाल दीजिए, ज़ीरा डाल दीजिए, चावल और दाल डाल के इसको हम बंद कर देते हैं, ढक्कन ढाँक देते हैं ताकि AC की भाप में ये पक जाए। और फिर हम उसमें, हाँ, नमक भी तो डालना है मुझे, नमक फिर मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, ठीक है। ये हो गया, लेट दिस कुक। अब हम भुरता बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्याज अगेन चॉप की हुई है वो हम लाल करेंगे, उसमें हम साबुत गोल वाली मिर्चें डालेंगे, ये वाली साबुत मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये देखें, इस तरह के पीसेस काट लीजिएगा, इसका छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ध्यान से उसको काट लीजिएगा, बीज निकाल दीजिएगा एंड देन यू आर डन। गनाश हमारी हो गई, इसको यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा तेल, तेल गर्म हो जाएगा तो एक बड़ी चॉप की हुई प्याज जाएगी,
नमक, हरा धनिया, गोल वाली मिर्चें और इसमें कुछ भी और नहीं जाएगा। खिचड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। पापड़ भी साथ में सर्व कर सकते हैं। इसको हम ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खालिद, खैरियत जी? खालिद बोल रहा हूँ भवन चकवाल से। जी फरमाइए, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? जी थैंक यू। अच्छा पहले तो ये पूछ ले, आपने आज दूध में नींबू का रस निचोड़ा है तो दूध फटता नहीं है? हमें दूध को फाड़ना ही है बटर मिल्क बनाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, मैं वो ही देख रहा था मैं। लेकिन जब आपने दूध डाला है, दूध अलहदा से डाला है आपने? नहीं, दूध मैंने डाला है ना, जब मैदा वगैरह डाला है तब। जी अच्छा। केक में जब भी बटर मिल्क की रेसिपी में कहीं भी बटर मिल्क लिखा हो तो दूध में या सिरका डालें या लेमन जूस डालें और दूध कर्डल थोड़ा करना है हमने उसको। और मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ लेमन जूस डालना, बिकॉज वो नेचुरल है। ठीक है, अच्छा 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 जी, बिल्कुल ठीक है। सिरका तो सिंथेटिक होता है ना, इस वजह से। जी 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 जी। और क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जरूर। करेला, भिंडी, तोरी, पालक, आलू, टमाटर। ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, प्याज जब तक यहाँ लाल हो, आई वॉन्ट टू। अच्छा ये चीज़ दिखाना चाह रही थी, कैमरा कम हियर प्लीज़। ये केक का जो टिन है, बाहर मैंने फॉइल लगाई है, कैन यू सी दैट? इसलिए कि ये पतला बैटर था केक का, अगर ये थोड़ा सा भी बाहर लीक आउट हो जाएगा स्प्रिंग फॉर्म टिन से तो आपका ओवन ख़राब हो जाएगा, सो फॉर दैट रीज़न। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा कुछ मसाला, गॉट सम हल्दी, मुझे इसमें हल्दी डालनी है खिचड़ी में, सही है? थोड़ा सा येलो, आई हैड फॉरगॉटन द हल्दी। कोई और स्पाइस आपको डालना है तो यू कैन ऑल्सो एड अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, जस्ट फॉर द टेस्ट। अच्छी तरह आपने इसको भून लिया और फिर आंच कम करके नीचे मैं तवा रख दूंगी, सो दैट ये भाप में ही पक जाएगी खिचड़ी, आप देखिएगा। बहुत थोड़ा सा पानी। मीनवाइल यहाँ प्याज आपने गोल्डन करनी है पहले, ठीक है, सो दैट वील डू फर्स्ट। और गनाश देखें रूम टेम्परेचर पे ही ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं रीकैप कर दूं, मैंने केक में क्या किया था। एक कप दूध लिया था, उसमें आधा नींबू का रस डाला था ताकि वो थोड़ा सा कर्डल हो जाए, बटर मिल्क बनाना है। फिर हमने एक पैन में 250 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट, आधा कप ऑलिव ऑयल और एक चमचा भर के कॉफ़ी पाउडर डाल के उसको मैंने पिघला दिया। जब चॉकलेट पिघल गई साइड में रख दीजिएगा। 2 अदद अंडे बीट करिएगा, उसमें 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा, फिर वो चॉकलेट, कॉफ़ी और ऑलिव ऑयल वाला कॉम्बिनेशन डाल दीजिएगा मिक्सचर वो। और आधा कप कोको पाउडर गया था, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर था, और सॉरी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 चमचा भर के बेकिंग सोडा था, 2 कप मैदा था। ये सब कुछ डाल के आप इसको पकने के लिए अवन में रख दीजिए 190 डिग्रीज पे एटलीस्ट 40 मिनट। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ शुक्रिया। जी फरमाइए, मुझे आंसर देने। जी जी दे दें। बैंगन, करेले, पालक, गोभी और मटर। अब इसमें से आप क्या क्या खाती हैं ये बताएं सच सच। गोभी और मटर। ओके ठीक है। फूल गोभी पसंद है कि बंद गोभी? बंद गोभी। बंद गोभी, अच्छा तो चाइनीज खाती होंगी फिर आप। जी हाँ जी, देखे मैं समझ गई ना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्याज को हमें ब्राउन करना है, उसके बाद उसमें लाल वाली मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, हरा धनिया है एंड दिस, फिर पक जाएगा, फिर इसको हम ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी नाइस एंड ऐसे लगेगा ही नहीं, ऐसे लगेगा आपने टमाटर पकाया है। और जब हम टमाटर घर में पकाते हैं उसमें हम डालते हैं, दाल पकाते हैं उसमें हम ये डालते हैं लाल वाला कद्दू, बहुत लोग इसको पकाते ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। झींगे में पकाती हूँ, झींगे का सालन उसमें मैं डाल देती हूँ,
धनसाक बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, हमें बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों बट है। ओके, सवाल हमारा ये है, सब्जियों के आपने नाम बताने हैं, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जब ये प्याज हमारी हो जाएगी गोल्डन, ये हमने लाल मिर्चें डाल दी और ये लाल कद्दू डाल के आपने इसको ढाँक के पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देना है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ अब हम हर्बियन का फाइबरलैक्स जो हस्क है इसबगोल, इसके फ्लेवर्स देख लीजिएगा प्लीज़। ये है फ्रूट पंच, ये ओरिजिनल नेचुरल वाला फ्लेवर है, इसके अलावा ये छोटे इसमें भी दस्तयाब है, लेमन का फ्लेवर भी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ द ओरिजिनल वन और हम बहुत मज़े का एक ड्रिंक स्मूदी सा बनाना आपको सिखाएंगे। इसके अलावा हर्बियन के गैस्ट्रिक प्लस ये डाइजेस्टिव टैबलेट्स भी हैं, ठीक है। इमली का फ्लेवर है, फिर ये आमचूर है, नींबू है एंड देन द ओरिजिनल वन। इतनी कन्वीनियंट बॉटल्स हैं, आप अपने पर्स में भी इसको रख सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, भारीपन लगता है आपको, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। खिचड़ी को देखिए, फ्लफ़ी राइस हो गए हैं, ठीक है। दाल मैं यूज़ करती हूँ लाल मसूर की, कुछ लोग मूंग की दाल इस्तेमाल करते हैं। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसको मैंने दम पे छोड़ दिया है और जो पम्पकिन है भुरता जिसका हम बना रहे हैं, ये देखें पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा हम धनिया अंदर डाल देंगे और हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं टुवर्ड्स आर हर्बियन रेसिपी। सो दो केले हैं, उसको डाल दीजिए, 6-7 आप खजूर ले लीजिएगा, बीज निकाल दीजिएगा, वो डाल दीजिए। फिर आप इसमें इलायची पाउडर डालिए, थोड़ा सा छोटी हरी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए, आप ऊपर से भी उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, बर्फ़ थोड़ी सी, दूध, और ये है तुक मलंगे के बीज जो होते हैं वो पानी में भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है। कैन यू सी, नज़र आ रहे हैं ये, एंड ऑफ कोर्स द मेन इंग्रेडिएंट जो के है हर्बियन का इसबगोल, दो चमचे भर के मैं डाल रही हूँ। आप इसमें चुटकी भर नमक भी डालिएगा एंड ब्लेंड। ऊपर से थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ये लीजिए, इस तरह सिनेमन पाउडर है, ये दालचीनी का पाउडर है, ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है। और खिचड़ी का चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज़ इट्स डन, मगर भुरता अभी टाइम लगेगा, केक को भी अभी टाइम है, वी हैव गॉट टाइम बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी टाइम है। चलिए गणेश भी हमारी बिल्कुल, देखें कितनी अच्छी गणेश सेट भी हो गई, जस्ट हैव टू वेट कि केक अब हो जाए जल्दी से। केक काफ़ी राइज हुआ है, यू कैन मेक आउट, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा गया था इसमें, बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं है और कल छुट्टी है, सो आई कांट से कि मैं कल केक दिखाऊंगी, तो मुझे आज ही दिखाना पड़ेगा, सो वील हैव टू शो यू, ठीक है जी। अच्छा जी, पम्पकिन के भुरते के लिए मैंने क्या किया था, लाल कद्दू लिया था, छील दिया था स्लाइसेस में या क्यूब्स में काट लीजिएगा, 300 ग्राम जितना ये था। एक बड़ी प्याज चॉप कर दी थी, धनिया है हरा धनिया, नमक है, तेल यूज़ किया था हमने और छोटी गोल वाली मिर्चें। खिचड़ी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। खिचड़ी के लिए मैंने प्याज लाल कर दी थी, उसमें साबुत गर्म मसाला, ज़ीरा वगैरह डाल दिया था, तेज़पत्ता और चावल और दाल जो भिगो के रखा था, थोड़ी सी लाल मिर्चें और हल्दी नमक, दैट्स इट, ठीक है। और ये खिचड़ी भी रेडी हो गई है, ये देखें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो,
अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। जुमा मुबारक जी। थैंक यू, फरमाइए जी। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करता हूँ और आपकी रेसिपी पालक चिकन मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। अच्छा जी, कौन सा चिकन? पालक चिकन। पालक चिकन, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। सवाल का जवाब दूंगा जी। जी जी, आलू, पालक, मूली, गाजर, भिंडी, करेले, प्याज। आप खाते हैं सारी सब्जी? जी जी, मैं खाता हूँ, बनाता हूँ। बनाते भी हैं? जी जी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, थैंक यू सो मच जी। चलिए, ये भुर्ता अभी हमारा हो रहा है, इसको टाइम लगेगा। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ब्लेंडर धो के इसको ब्लेंड कर देंगे, या आपके पास स्टिक ब्लेंडर हो, इमर्शन ब्लेंडर, उससे भी कर सकते हैं आप। सही है जी। चलिए अब हम केक का भी रिकैप कर देते हैं। सो दूध लिया था एक कप, उसमें हमने थोड़े से कतरे आधा नींबू जैसे डाल दिया था, स्क्वीज करके बटर मिल्क बन गया। फिर एक सॉस पैन में मैंने 250 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, आधा कप ऑलिव ऑयल था और एक चमचा भर के कॉफ़ी, मैंने एक कप लिखा है लेकिन मैंने एक कप नहीं डाला था, एक चमचा भर के कॉफ़ी डाल के उसको पिघला दीजिएगा, ठंडा करिएगा। दो अदद अंडे अच्छी तरह बीट करिएगा, उसमें ये चीनी डाल दीजिएगा एक कप, फिर ये चॉकलेट वाला मिक्सचर डाल दीजिएगा, उसके बाद दो कप मैदा, उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालिएगा, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून था, बेकिंग सोडा एक टेबलस्पून था, वो डाल के उसमें आप आधा कप जितना कोको पाउडर शामिल करिएगा और सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा और फिर बेक करने रख दीजिएगा। स्कूअर जब हम डालेंगे और निकालेंगे तो ज़रा थोड़ा से क्रम्स इसके ऊपर स्टिक होने चाहिए, ओके? सी, इस तरह, थोड़ा सा इस तरह, कैन यू सी, नज़र आ रहा है? ठीक है, इस तरह स्टिक होना चाहिए और फिर That's it, फिर ठंडा करिए, फिर इसके ऊपर आप गनैश लगा दीजिए। गनैश में कुछ नहीं था, सिर्फ चॉकलेट और क्रीम। मड केक थोड़ा डेंस होता है, हैवी होता है, तेल से ही बनता है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, देखें ये गल रहा है। इसको आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा नरम हो जाएगा, जल्दी से बन भी जाएगा। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू जी। मैं आपकी रेसिपी इसमें ट्राई करती हूँ। ओके, करते रहिएगा, इसी तरह हमारा शो फॉलो करिएगा। मैंने क्वेश्चन का आंसर देना जी। आलू, गोभी, मटर, भिंडी, करेले, कद्दू। खाती हैं कि सारी सब्जियाँ? हाँ जी, सब्जियाँ खाती हैं कि नहीं? खाती हूँ। वेरी गुड, इसी तरह खाती रहिएगा, बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए, ठीक है? बच्चों को भी ट्राई करके खिलाइए कुछ ना कुछ, आजकल के बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का और गोश्त चिकन का शौक है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, बस ये पम्पकिन को पकाना है हमने। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें खिचड़ी को मैंने यहाँ निकाल दिया है, अब हमें गणेश ना डाल दूँ, दूर रखते हैं। जो भुरता है वो उड़ रहा है हर जगह, ये देखें, बिल्कुल आपने इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है? कोई टमाटर शमाटर इसमें कुछ भी नहीं है, टेस्ट रियली नाइस, ट्राई करिएगा, बनाइएगा और ऊपर से इसको डाल के आप खिचड़ी पे के साथ सर्व कर दीजिएगा, रोटी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन आई प्रिफर खिचड़ी। सो ड्रिंक जो हमने बनाया था वो स्टर कर दीजिएगा अगर आपने पहले से बना के रखा हो। केक के लिए बस मैं वेट कर रही हूँ, केक कब ठंडा होगा मैं क्या करूँ, अब मुझे बताएं। केक को तो टाइम लगेगा, अब इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती मैं आज, व्हाट टू डू। सो केक को आप ठंडा करिएगा, बीच में से काटिएगा, ये आइसिंग बीच में लगा दीजिएगा, गणेश जो है ऊपर भी लगाइएगा, डेकोरेट कर दीजिएगा। कभी कभार देर इज़ नो टाइम ऑन आर शो टू डेकोरेट, सो आज मैं ऐसे ही फिर आपको दिखाऊंगी व्हाट टू डू ना। फिलहाल यहाँ रखते हैं इसको और पम्पकिन को बंद कर देते हैं और इसको हम ऊपर रखते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं।
मैं भी ठीक हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, और मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी वेजिटेबल्स के नेम जी, जिसपे फूल गोभी है, बंद गोभी है, घैया है, और काली तोरी है, और बंद और आलू हैं, करेले हैं, प्याज है, मटर है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अब जो केक है ना उसको क्या करूं मैं, बताएं बताएं क्या करूं। इट्स वेरी हॉट, अब गणेश भी अभी रखूंगी तो पूरा पिघल जाएगा इसके ऊपर, बट आई हैव टू डू इट टुडे, व्हाट टू डू। वक्त है अभी थोड़ा, ज़रा थोड़ा 10 मिनट ठंडा करते हैं इसको और रीकैप कर देते हैं। चॉकलेट मड केक के लिए, मड केक बहुत डेंस केक होता है, एक कप दूध लिया था, उसमें लेमन जूस डाल दिया था, फिर एक सॉस पैन में आधा कप हमने रखा था ऑलिव ऑयल, एक चमचा भर के कॉफ़ी, और चॉकलेट के केक्स में हमेशा कॉफ़ी डाला करें, बहुत अच्छा उसका चॉकलेट का टेस्ट उभर के निकलेगा, और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट चॉप करके, जब वो चॉकलेट पिघल जाए एक तरफ रख लीजिएगा, फिर आप 2 कप मैदा छान के रखिएगा, उसमें आप 1 चमचा भर के बेकिंग सोडा डालिएगा, 1 चमची भर के टीस्पून यानी के बेकिंग पाउडर रखिएगा, और आधा कप कोको पाउडर है, ठीक है, फिर 2 अदद अंडे बीट करिएगा, उसमें आप 1 कप चीनी डालिएगा, वो चॉकलेट का मिक्सचर जब ठंडा हो जाए वो डालिएगा, मैदा डालिएगा, सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, और बटर मिल्क बिल्कुल एंड में जाएगा, जब दूध थोड़ा सा फटा फटा सा लगे तब डाल दीजिएगा, और फिर बेक करने रख दीजिएगा। आप देखें कितना राइज हुआ है ये, अब आप इसको ठंडा करेंगे 2 से 3 घंटे टिन में, फिर निकालिएगा, फिर जाली पे ठंडा करिएगा, बीच में से काटिएगा, ये फ्रॉस्टिंग या गणेश या जो भी आपको डालना है, वैसे इसमें गणेश ही बेस्ट रहेगा, नो बटर क्रीम, ठीक है। ये देखें थिक सा गणेश है ये, आप चॉकलेट एंड क्रीम दैट्स इट, और बीच में लगाइएगा, ऊपर लगाइएगा, हाउएवर यू वांट टू डू इट। मुझे अभी इसको खोलना नहीं है बिकॉज ये टूट जाएगा, बट अब मैं क्या करूँ आज, देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू कूल द केक। हमेशा एक ब्लंट नाइफ को साइड में ऐसे करते हैं, केक को टिन से लूजन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके साइड्स खोल देते हैं, बट अभी तो बहुत ज्यादा गर्म है हमारा केक, बट आपने सीख लिया कि चॉकलेट मड केक कैसे बनाते हैं घर में, सो आप बना सकते हैं, इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, ठंडा करिएगा बस आप, ठीक है। बस अब ये साइड से खोल दीजिएगा, यहाँ है स्प्रिंग फॉर्म टिन का जो क्लिप होता है वो खोल दीजिएगा, और फिर उसको ठंडा करिएगा, बीच में से काटिएगा, गणेश लगाइएगा। आई थिंक वी विल टेक अनदर ब्रेक, हमारा काम हो चुका है, ठीक है जी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये डीलक्स ड्राई आयरन, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे 3 से 4 नाम सब्जियों के, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर यानी अपना आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। चॉकलेट मट केक, अच्छा, 2 कप लीमू का रस, 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल आधा कप, डार्क चॉकलेट चॉप 250 ग्राम, कॉफ़ी 1 कप, मैदा 2 कप, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, अंडे 2 अदद। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए डार्क चॉकलेट चॉप 400 ग्राम, क्रीम 1 कप। तरकीब, पहले दूध में लीमू का रस डाल के बटर मिल्क तैयार कर लें, फिर सॉस पैन में तेल गरम करके चॉकलेट और कॉफ़ी शामिल करके इतना पकाएं कि चॉकलेट पिघल जाए, उसके बाद इसे ठंडा कर लें। अब एक बोल में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिसी चीनी और कोको पाउडर डालें, उसके बाद चॉकलेट के मिक्सचर में अंडे और तैयार किया हुआ बटर मिल्क शामिल करके विस्क कर लें, फिर इसमें खुश्क अज्जा डाल के फोल्ड करें, और इस बैटर को ग्रीस के वो टिन में डाल के गर्म ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा बेक कर लें, उसके बाद केक को ओवन से निकाल के 15 मिनट ठंडा होने तक छोड़ दें। आखिर में केक की लेयरिंग करके डार्क चॉकलेट गनाश से सजाएं और सर्व करें। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए सॉस पैन में चॉकलेट और क्रीम साथ इतनी देर पका लें कि चॉकलेट पिघल जाए। अब इसे 30 से 40 मिनट तक रेफ्रिजरेट कर दें।
बनाना डेढ़ शेक, अजसा केले दो अदद, खजूर बीज निकली एक चौथाई कप, दूध दो कप, तुख मलंगा भीगे हुए दो चाय के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी एक चुटकी, नमक एक चुटकी, इसबगोल दो खाने के चमचे, बर्फ़ एक कप। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अजसा डालकर पीस लें, अब इसे सर्विंग ग्लासेस में डालकर ऊपर से पिसी दालचीनी छिड़कें और ठंडा सर्व कर दें। पम्पकिन भुरता, अजसा लाल कद्दू छिले और स्लाइस 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज एक अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, खुश्क लाल मिर्चें 4 अदद, नमक हसबे जायका, तेल 2 खाने के चमचे, खिचड़ी सर्व करने के लिए। तरकीब, तेल गर्म करके खुश्क लाल मिर्चें सौते कर लें, फिर इसमें लाल कद्दू काट कर शामिल करें, उसके साथ नमक, चॉप्ड प्याज और चॉप्ड हरा धनिया डाल के अच्छी तरह पका लें, आखिर में खिचड़ी के साथ सर्व करें। आप देख रहे हैं हमारा मज़ेदार सा केक, जिसमें से अंदर से थोड़ा सा ऊज आउट हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, देयर इज़ नो टाइम, सो आई हैव टू आइस इट एंड शो इट टू यू। खजूर और केलों के साथ हरबियन का जो हमने ड्रिंक बनाया था वो भी यहाँ है, और ये जो हमने भुरता बनाया था, किसी ने मुझे अभी मैसेज किया कि ये आम से क्या बनाया, आम नहीं था जी, ऐसे काटे थे छोटे छोटे क्यूब्स, ये लाल कद्दू था, लाल कद्दू का भुरता है, पम्पकिन भुरता है, खिचड़ी के साथ हम लोग खाते हैं। अच्छा जी, अब अगले हफ्ते मैं क्या बनाना सिखाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ, रात में हमारा शो 12 बजे रिपीट होता है, सुबह दूसरे दिन 9:30 बजे रिपीट होता है। सो पीर को पनीर हम ग्रिल कैसे करेंगे और उसके साथ हम चुकंदर के चावल बनाएंगे और एक स्टीम्ड केक होगा चूल्हे पे, प्लीज़ सीख लीजिएगा। वो सारे लोग जो मुझसे फरमाइश करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि पतीली पे बनाना सिखाएं, चूल्हे में बनाना सिखाएं केक, तो प्लीज़ पीर का शो ज़रूर देखिएगा। फिर ट्यूसडे को, मंगल को मैं बहुत ही आसान कपकेक्स बनाना सिखाऊंगी और थाई स्टाइल में खाउसोई बनाऊंगी, ठीक है। और फिर बुध को पनीर चना है और शीर पीरा है, ये देखिएगा रेसिपी। जुमेरात को हम मंगोलियन बीफ बनाएंगे और चॉकलेट पीनट कैरमल टार्ट बनेगा, और जुमे को थाई स्टाइल प्रॉन्स होंगे और फ्रोजन पराठे के साथ कीश बनाऊंगी और हरबियन की एक एप्पल स्मूदी की रेसिपी होगी। मुशर्रफ सरदार पेशावर से जीते हैं एनिक्स का गिफ्ट, यहाँ जो है डिलक्स ड्राई आयन, और लज्जत में 5 बजे लाइव अचारी सैलड मेथी आलू कीमा पुलाव बिरयानी बनेगा, सो उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड माई शो, आई होप आपने एंजॉय की होंगी ये सारे हफ्ते की रेसिपीज। पीर से जुमा आपके साथ में थी 3:30 बजे यहाँ लाइव, और हफ्ता इतवार भी मैं रू अफजा के शो पे आऊँगी, हाजिर होंगी विथ अबील, तो टाइम मैं भूल गई हूँ क्या है, मगर स्लाइड में प्रोमो में चल रहा है, तो प्लीज़ देखिएगा वो शो भी। सिर्फ पानी और दूध मिक्स करके हमने रू अफजा नहीं बनाया है, बहुत सारी मज़ेदार सी हमने डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। सी यू नेक्स्ट वीक, नाउ हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।